hello everyone in this video of mcq digital electronics i am going to discuss few questions of unit 1 in which i will cover topic boolean algebra gates k-map start karte him with the question first question is electronic circuit that operate on one or two input signals to produce standard output this is series circuit parallel circuit logic signals or logic gates So in this in विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन डी मीन्स के लॉजिक गेट्स ऑपरेट ऑन वन और मोर इनपुट सिग्नल्स टू प्रोड्यूस स्टैंडर्ड आउटपुट

नंबर इज फोर्टीन डिवाइडेड बाई फाइव इज इक्वल टू टू तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे फोर्टीन डिवाइडेड बाई फाइव इज इक्वल टू टू है लेट बेस ऑफ दिस इज एक्स एंड तो इसका भी क्या होगा एक्स नाउ अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें अपर पोर्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करें तो इट विल बी वन इंटू एक्स रेज टू पावर वन प्लस फोर इंटू एक्स रेज टू पावर जीरो डिवाइडेड बाई फाइव इंटू एक्स रेस टू पावर जीरो हमें क्या करना है सबको डेसिमल में कन्वर्ट करना है टू इंटू एक्स रेस टू पावर जीरो दिस वैल्यू दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू इसको अगर हम सॉल्व करते हैं इस पोर्शन को तो इट बिकम्स एक्स प्लस फोर डिवाइडेड बाई फाइव इज इक्वल टू टू ठीक है नाउ अब इसको अगर हम और सॉल्व करें तो इट बिकम्स एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू टेन ठीक है तो एक्स विल बीवल टू सिक्स वेस ऑफ दिस नंबर सिस्टम नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एक्सेस थ्रीवेलेंट ऑफ थर्टी फाइव तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेस थ्री एक्सेस थ्री का मीन्स होता है एक्स्ट्रा थ्री मीन्स अगर हमने लिखा थ्री फाइव तो हम ऐड करेंगे थ्री विद दिस एंड थ्री विद दिस मीन्स कि इंडिविजुअल डिजिट्स में हमें थ्री का एडिशन करना है नाउ इट बिकम्स एट एंड इट बिकम्स सिक्स तो एट को हम क्या लिखेंगे वन जीरो इन बाइनरी एंड सिक्स को हम क्या लिखेंगे जीरो वन वन जीरो तो नाउ विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट आप मैच कराओ स्टार्टिंग जीरो वन वन जीरो लास्ट वन ट्रिपल जीरो ठीक है तो ए इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन इनकोड द डेसिमल नंबर फोर्टी सिक्स टू ग्रे कोड तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा थ्री फोर्टी सिक्स डिवाइड बाई टू यहाँ आएगा टू थ्री रिमाइंडर इज जीरो अगेन डिवाइड बाई टू वन वन रिमाइंडर इज वन अगेन टू से डिवाइड किया फाइव रिमाइंडर इज वन अगेन टू से डिवाइड किया टू रिमाइंडर इज वन टू से डिवाइड किया यहाँ वन रिमाइंडर इज जीरो नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू हम इस डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे फोर्टी सिक्स जो वैल्यू हमारी डेसिमल में थी बैनिरी में क्या हो गई वन दिस वन देन देन वन 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 जीरो नाव अब हम इसे ग्रे में लिखते हैं तो ग्रे में फर्स्ट बिट विल बी सेम मीन्स कि दिस वन नाव वन एंड जीरो का एक वन जीरो एंड वन का एक वन One one का जीरो, one one का जीरो, one zero का वन। तो ऑप्शन ऑप्शन ए के साथ मैच हो रहा है मीन ए इज द राइट ऑप्शन ठीक बाइनरी जो मैंने ये कन्वर्जन किया ये आप आइदर यू कैन यूज दिस मैथड और मैं दूसरा ही बताती हूँ डायरेक्ट वो कैसे करते हैं केस में आपने क्या करना है टू की बेसिस मीनस की पावर टू की पावर जीरो टू की पावर वन टू की पावर टू तो वन टू फोर एट सिक्सटीन एंड थर्टी टू ठीक है ना फोर्टी सिक्स के लिए हमें क्या चाहिए थर्टी टू चाहिए थर्टी टू प्लस एट फोर्टी फोर्टी प्लस फोर फोर्टी फोर और फोर्टी टू फोर्टी सिक्स हो गया रिमेनिंग जीरो तो आइदर यू कैन यूज दिस मैथड और यू कैन यूज डायरेक्ट मैथड बोथ केसेस में आंसर विल बी सेम ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू इन कोड वन थर्टी एलिमेंट्स सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे एन है तो कैपिटल एन शुड बी लेस देन इक्वल टू टू रेस टू पावर स्मॉल एन वेयर स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ बिट्स नाउ कैपिटल एन इज वन थर्टी ठीक है लेस देन इक्वल टू टू रेस टू पावर एन अब हमें चाहिए यहाँ पर एन की वैल्यू तो इफ वी पुट एन इज इक्वल टू एट ठीक है एट पुट करें तो क्या होगा वन थर्टी लेस देन इक्वल टू 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 दी पावर एट मीन्स ये हो जाएगा हमारा टू की पावर एट क्या हो जाएगा वन थर्टी इज लेस देन टू फिफ्टी सिक्स मीन्स की मिनिमम एट बिट्स आर रिक्वायर्ड अगर हम सेवन लेते सपोज टू की पावर सेवन तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है वन ट्वेंटी एट बट हमें चाहिए क्या हमारा एलिमेंट्स कि इट शुड बी ग्रेटर कितनी चाहिए होंगी एट मीन कि ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज दैट ओनली वन अर्थमैटिक ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड टू अर्थमैटिक ऑपरेशन आर रिक्वायर्ड नो अर्थमैटिक ऑपरेशन आर रिक्वायर्ड एंड डिफरेंट अर्थमैटिक ऑपरेशन आर रिक्वायर तो ऑप्शन ए इज करेक्ट यूज कॉम्प्लीमेंट ओनली हम एडिशन ही यूज करते हैं चाहे वो हमें सब्ट्रैक्शन करना हो डिवीज़न करना हो मल्टीप्लीकेशन करना हो या एडिशन करना हो नेक्स्ट एंड सिंपलेस्ट क्वेश्चन द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ एन ऑर गेट इज ए प्लस बी तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर धन इज द गेट विच इज यूज टू रिवर्स द आउटपुट ऑफ इज नोर

प्लस ट्वेंटी थ्री मीन्स हमें टूज कॉम्प्लीमेंट लेने की जरूरत ही नहीं है नाउ अब हम इन नंबर्स को बाइंड्री में कन्वर्ट करते हैं बिकॉज हमारा आंसर जो है बाइंड्री में है तो हम मेथड यूज करेंगे आइदर डिवीज़न और डायरेक्ट वाला अगर डायरेक्ट यूज करते हैं तो क्या वेट होते हैं वन टू फोर एट 16 एंड 32 32 के बाद आएगा 64 जो हमारे 48 से ज्यादा रेंज में आ जाएगा ये जो हमने 6 बिट्स ली तो ये हमारी रिप्रेजेंट करेंगे टिल 63 तो अभी हमें क्या चाहिए 48 मींस कि 32 चाहिए एंड 16 चाहिए तो 48 कैन बी रिटन एज थर्टी टू की वैल्यू क्या होगी वन सिक्सटीन की वैल्यू क्या होगी वन एट की वैल्यू जीरो फोर की वैल्यू जीरो टू की वैल्यू जीरो वन की वैल्यू जीरो नाउ हमारे ऑप्शंस क्या हैं वो एट बिट के हैं तो हम इनके आगे दो जीरो को इंक्रीज कर देंगे ठीक नाउ सेकंड नंबर इज ट्वेंटी थ्री तो फॉर ट्वेंटी थ्री हमें क्या चाहिए सिक्सटीन प्लस फोर प्लस टू प्लस वन मीन्स की थर्टी टू की जो बिट पोजिशन होगी वहाँ की बिट की वैल्यू क्या होगी जीरो सिक्सटीन की वैल्यू होगी वन एट की वैल्यू होगी जीरो फोर

now next question question number 12 question number 12 a function abc now next question a function f defined by three boolean variable a b and c when expressed as sum of product is given by this where a bar b bar c bar are the complements of the respective variables the product of sum फॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ इज यहां पर दिस इज दॉप फॉर्म और इन्होंने पूछा क्या है पॉस्ट तो जो भी टर्म्स सॉप में एबसेंट होंगे वो किसके होंगे वो पॉस के होंगे तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि विच मीन टर्म्स आर एवेलेबल एंड विच मीन टर्म्स आर मिसिंग ठीक है तो नाउ जो हमारा फंक्शन है दैट इज दैट इज ए बार बी बार सी बार मीन्स जीरो 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 मीन्स एफ इज इक्वल टू समीशन एम फर्स्ट इज जीरो नेक्स्ट यहाँ पे जो गिवन है दिस इज ए बार बी सी बार इट मीन जीरो वन जीरो विच इज टू नेक्स्ट इज ए बी सी बार मीन जीरो दीज आर द मीन टर्म्स विच इज अवेलेबल ठीक नाउ मिसिंग क्या है तो so, हमारा जो पॉज का फंक्शन होगा जिसमें मिसिंग है मीनस एफ इज इक्वल टू पाई एम टर्म मिसिंग है वन थ्री फोर फाइव

वन जीरो जीरो मीन्स ए बार प्लस बी प्लस सी नेक्स्ट इज फाइव मीन्स वन जीरो वन इसको क्या लिखेंगे हम ए बार प्लस बी प्लस सी बार लास्ट टर्म क्या है हमारा सेवन सेवन को हम क्या लिखते हैं वन 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 मीन्स ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार ठीक नाउ अब हमारे ऑप्शन चेक करते हैं जिसमें ये पांच अवेलेबल हो फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ और सिर्फ पांच जो सम टर्म्स हैं प्रोडक्ट ऑफ सम के पांच मैक्स टर्म्स कहाँ अवेलेबल हैं इन ऑप्शन बी मैच कर लेते हैं मिल मैच हो रहे हैं यानी फर्स्ट इज ए प्लस बी प्लस सी बार मैच विद दिस नेक्स्ट इज ए प्लस बी बार प्लस सी बार दिस वन नेक्स्ट इज ए बार बी प्लस सी दिस वन नेक्स्ट इज ए बार बी सी बार दिस वन एंड लास्ट इज ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार मीन्स की दिस वन तो बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस

एंड सेकेंड पेयर टू प्राइम इम्प्लीकेंट्स बने इसके लिए हम क्या लिखेंगे रो से मिलेगा एक्स इन दो कॉलम से हमें क्या मिलेगा वाई बार फॉर दिस रो से हमें मिलेगा एक्स बार एंड दीज टू कॉलम से हमें मिलेगा वाई मीन्स एक्स वाई बार एंड एक्स बार वाई इज द प्राइम इम्प्लीकेंट्स मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस द नंबर ऑफ बाइट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द डेसिमल दिस इन पैक्ड बी सी First of all, packed का means क्या हुआ? अगर अगर हमने हमने कोई number लिखा लिखा, एक साथ, तो 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 और को को अलग अलग हमें चाहिए पैक्ड ठीक है एंड वन मोर थिंग वन बाइट इज इक्वल टू होते हैं एट बिट्स ठीक है एंड वन बी सी डी डिजिट वन बी सी डी डिजिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई फोर बिट्स तो हाउ मैंने डिजिट साउंट करें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इंटू फोर इज इक्वल टू थर्टी सिक्स बिट्स आर रिक्वायर्ड ठीक नाउ अगर अब हमें बाइट में कन्वर्ट करना है तो थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाई एट इज इक्वल टू फोर पॉइंट फाइव तो ये पॉइंट फाइव तो हाफ बाइट तो होगी नहीं तो हम इसको राउंड अप में लेंगे फाइव बाइट्स ठीक है क्या लेंगे फाइव बाइट्स तो विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर डे डेसिमल फोर्टी फाइव इन हेक्सा डेसिमल एंड बी सी डी नंबर सिस्टम इज रिस्पेक्टिवली मीन्स की हमारे पास डेसिमल में फोर्टी फाइव है फोर्टी फाइव इन बेस टेन है एंड हमें फाइंड आउट करना है इन बेस सिक्सटीन एंड इन बेस बीसीडी ठीक है तो सबसे पहले हम फोर्टी फाइव को कन्वर्ट करते हैं इन हेक्स तो हमने सिक्सटीन से डिवाइड किया सिक्सटीन टू ज थर्टी टू हाउ मच रिमाइंडर रिमाइंडर विल बी थर्टीन थर्टीन को हम क्या लिखते हैं डी ठीक है नाउ ऐसे लेंगे तो फोर्टी इज इक्वल टू टू इन सिक्सटीन तो

एक्स एंड एक्स इज इक्वल टू वन वन जीरो वन वन एंड वाई इज इक्वल टू जीरो वन जीरो जीरो वन आर टू फाइव बेट बाइंड नंबर्स रिप्रेजेंटेड इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉमेट द सम ऑफ एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉमेट यूजिंग सिक्स बट एस ठीक है मीन्स की ऑलरेडी ये जो दो नंबर्स हैं ये in two's complement form है, इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है बट इनमें नंबर ऑफ बिट्स कितनी है फाइव है हमें इनका एडिशन परफॉर्म करना है इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट बट नंबर ऑफ बिट्स कितनी होनी चाहिए सिक्स तो एक जो पॉइंट आपको याद रखना है प्लीज रिमेंबर कि वेन यू आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ बिट्स और पैडिंग द नंबर ऑफ बिट्स पर्टिकुलर नंबर ऑफ बिट्स तो जो आपकी पैडिंग होगी वो किस बिट की होगी जो भी आपकी एमएसबी की बिट थी अगर आपका ये टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट में है तो ठीक फॉर एग्जाम्पल मेरे कहने का मीन्स क्या हुआ

कैरी डबल वन से क्या आएगा जीरो कैरी वन डबल जीरो से क्या आएगा वन देन वन वन से क्या आएगा जीरो कैरी वन वन से क्या आएगा जीरो कैरी वन वन से क्या आएगा जीरो वन नाउ इन्होंने जिस सम की बात की वो भी सिक्स बिट्स का होना चाहिए मीन्स की ये लास्ट की सिक्स बिट्स तो विच ऑप्शन इज मैच विद दिस ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस

2 रेज टू पावर n 1 2 खोल की दस एंड अगर टूज कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में होता है दोनों के लिए मैं बता देती हूँ फॉर टूज कॉम्प्लीमेंट रेंज इज रेंज इज -2 रेज टू पावर n 1 2 2 रेज टू पावर n 1 1 ठीक है मींस अगर हम यहाँ पर 7 बिट को पुट करें तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगी वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए इज इक्वल टू माइनस टू रेस टू पावर एन माइनस वन की सेवन माइनस वन सिक्स टू की पावर सिक्स माइनस वन टू प्लस टू की पावर सिक्स माइनस वन मीन की टू रेस टू पावर सिक्स क्या होता है सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर माइनस वन क्या होगा थर्टी वन ठीक है मीन की दिस विल बी माइनस सिक्सटी थ्री टू प्लस सिक्सटी थ्री ठीक है तो विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन बी इज करेक्ट बट अगर हम बात करें इन केस ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट तो यहां पर अगर हम वैल्यू पुट करें तो ये क्या होगी माइनस टू रेस टू पावर सिक्स टू पावर सिक्स माइनस वन मीन्स माइनस सिक्सटी फोर टू प्लस सिक्सटी थ्री तो आपको ये याद रखना है ठीक बट अभी हमें टूज कॉम्प्लीमेंट नहीं देखना इस क्वेश्चन के लिए हमें बताना है वंस कॉम्प्लीमेंट मीन ऑप्शन बी इज करेक्ट क्वेश्चन द मिनिमम नंबर ऑफ टू इनपुट नैंड गेट रिक्वायर्ड टू टू इंप्लीमेंट अ इनपुट गेट तो राइट ऑप्शन इज बी कैसे बनता है मैं ये डायग्राम आपको बता देती हूँ ये हमारा लगाया नैंड गेट ठीक है ये हमारा फर्स्ट इनपुट इज ए सेकेंड इनपुट इज बी देन दिस वन हो सकता है आपसे बाई बाय इंटरव्यू कहीं पूछ सकते हैं उसकेस में आपको आना चाहिए टिल दिस दिस इज

करेक्ट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंगल सम्वेल इन टू हेक्सा डेसिमल सी एट एच तो एक तो मैथड है कि आप एवरी कॉम्बिनेशन को एड करके देखो और या तो आप वो फाइंड आउट करो जिसके लास्ट की की जिसकी एल एस डिजिट लोअर साइड के डिजिट का कॉम्बिनेशन एट हो ठीक है तो पहले हम यही वाला मेथड यूज करते हैं एट ठीक है सी एन सी सी एन सी का मींस क्या हुआ ट्वेंटी फोर क्या हुआ ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर हुआ इन डेसिमल इनको हम हेक्स में क्या लिखते हैं वन एट मीन्स की एट मिल गया तो नाउ अब हम इसको चेक कर सकते हैं मीन्स टू सी सी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर को हम लिखेंगे वन एट तो यहां होगा एट यहां होगा वन नाउ नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व और ट्वेल्व को हम क्या लिखते हैं सी एट मीन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द एक्सेस थ्री नंबर दिस इज तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये नंबर को ग्रुपिंग में डिवाइड करना होगा देन हम माइनस थ्री को माइनस करेंगे देन वी गेट द एक्चुअल डेसिमल नंबर ठीक है तो so, मैं थोड़ा सा इसको जूम करती हूँ नाउ अब हम इसकी ग्रुपिंग करते हैं फर्स्ट ग्रुप सेकेंड फोर बिट्स एंड थर्ड ठीक है ये हमारी इंटीजर पार्ट की तो नाउ जीरो जीरो वन वन इज थ्री इससे अगर आप थ्री को माइन इट्स थ्री एंड वन जीरो वन जीरो इज टेन वन वन जीरो जीरो इज ट्वेल्व अगर हम माइनस थ्री करें इंडिविजुअल से तो माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री इट बिकम नाइन इट बिकम सेवन इट बिकम जीरो हमारा इंटीजर पार्ट हुआ नाउ अब हम डेसिमल का देखते हैं इन दिस केस हमारी जो ग्रुपिंग होगी लेफ्ट टू राइट साइड की फर्स्ट फोर सेवन एंड दिस वन इज फाइव सेवन से हमने थ्री माइनस करना है फाइव से हमें थ्री माइनस करना है सेवन माइनस थ्री इज फोर फाइव माइनस थ्री इज टू नाउ अब हम चेक करते हैं कि इज दिस ऑप्शन इज अवेलेबल और नॉट

एंड जीरो नाउ इसको हम ऐड करेंगे विद तो जीरो कैरी आई वन नाउ देर इज नो कैरी देर इज नो कैरी तो टेक द अगेन टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिजल्ट तो हमने टूज कॉम्प्लीमेंट लिया फर्स्ट बिट इज वन वन लिखा रिमेनिंग ऑल का हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो जीरो को क्या लिखेंगे ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस तो प्लीज याद रखना है जब भी आप सब्ट्रैक्शन करो अगर वहां कैरी जनरेट नहीं होती है तो जो रिजल्ट आया उसका अगेन टूज कॉम्प्लीमेंट लें एंड रिजल्ट को जो फाइनल

Uh, इसका जो मेन एडवांटेज है दैट इज़ इजी ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल हेक्साडेसिमल से जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो हम किसी भी नंबर को फोर पिट की बाइनरी डिजिट से लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर ए है तो ए इज़ बेसिकली टेन इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वन जीरो वन जीरो से इन द सेम वे अगर हमने लिखा वन वन जीरो जीरो वन ज़ीरो वन जीरो तो हमें इसे हेक्स में लिखना होगा तो फोर फोर की ग्रुपिंग करनी है एंड दिस इज फाइव एंड दिस इज टींस की सी सी फाइव तो ये इजी होता है ठीक तो बी इज द राइट ऑप्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ गेट और इन्वर्टर टू चेंज इट स्टेट इज कॉल्ड राइट टाइम डिके टाइम प्रोपोगेशन टाइम एंड चार्जिंग टाइम तो वो अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है मीन्स की नेक्स्ट स्टेट में जा रहा है तो दैट इज कॉल्ड प्रोपोगेशन टाइम सी इज द राइट ऑप्शन

और अगर एंड गेट पूछता है तो एंड गेट के केस में हमारे सीरीज में कनेक्टेड है एक भी अगर स्विच ऑफ हुआ तो आउटपुट क्या होती है जीरो होती है ठीक है तो आपको याद रखना है इन केस ऑफ और स्विचेज आर कनेक्टेड इन पैरल इन केस ऑफ एंड गेट स्विचेज आर कनेक्टेड इन सीरीज द कोड वेयर ऑल सक्सेसिव नंबर्स डिफर फ्रॉम दियर प्रोसीडिंग नंबर बाई सिंगल बिट इज न्यूमेरिक कोड बी सी डी एक्सेस थ्री और ग्रे तो ग्रे इज द राइट ऑप्शन ग्रे कोड में जब भी हम नेक्स्ट पे जाते हैं तो देर इज ओनली डिफरेंस ऑफ वन बिट सिंगल नेक्स्ट इज दोनों इनपुट को शॉर्ट किया तो ये गेट कौन सा फॉर एग्जाम्पल हमने ए दिया यहाँ पर भी ए होगा ए होगा मीन्स कि ए डॉट ए बार इज इक्वल टू ए बार इनपुट वॉज ए एंड आउटपुट इज ए बार मीन्स दिस इज डी डी इज द राइट ऑप्शन इट्स बिकम इन नाउ मिनिमम नंबर ऑफ नॉर गेट इज इम्प्लीमेंटेड एक्जोर गेट मीन्स की हाउ मेनी गेट्स आर आर नॉर गेट्स रिक्वायर्ड तो राइट ऑप्शन इज बी आपको याद रखना है अगर हम एग्जोर की बात करें अगर हम एग्जॉर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यूजिंग नैंड तो फोर नैंड यूज होते हैं एक्जोर के लिए ठीक है अगर हम एग्ज नॉर की बात करते हैं इन दैट केस फाइव नैंड होते हैं और अगर हम नॉर की बात करें नॉर तो एक्जोर के लिए फाइव नॉर और एक्सनोर के लिए फोरनोर यूज होते हैं लास्ट क्वेश्चन सम ऑफ प्रोडक्ट कैन बी इंप्लीमेंटेड विथ अ ग्रुप ऑफ नॉट गेट्स और गेट्स एंड गेट्स और एक्सऑर गेट तो दिस इज राइट ऑप्शन एंड गेट सम ऑफ प्रोडक्ट मींस की प्रोडक्ट टर्म्स होंगे उनका हम सम करेंगे तो प्रोडक्ट तो टर्म हमें कहां से मिलेंगे एंड गेट से तो एंड गेट्स ग्रुप ऑफ एंड गेट्स सी इज द राइट ऑप्शन थैंक यू सो मच